उत्तर प्रदेश के मेरठ के थाना इंचौली क्षेत्र के साधारणपुर गांव की रहने वाली पूजा नाम की एक युवती की शादी तकरीबन 7 साल पूर्व ग्राम मंडोरा जिला गौतम बुद्ध नगर में हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति उस पर दबाव बनाता है कि मेरे और भाइयों के साथ भी संबंध बनाओ, और जब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मेरे साथ मार पिटाई की और मेरे जेठ व मेरे देवरों ने मुझे बंधक बनाकर सभी ने बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म किया और मुझे धमकी दी कि अगर बाहर किसी को या अपने घर वालों को बताया तो तुझे और तेरे परिवार वालों को हम जान से मरवा देंगे, और कहने लगे कि मेरा भाई पुलिस में है और पुलिस प्रशासन मेरी मुट्ठी में है, इसलिए अगर किसी को बताया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तब जाकर मैं ससुराल में अपने घर आ गई और महिला थाने में तहरीर दी। महिला का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम सारे परिवार वाले अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर SSP ऑफिस में खुद को आग लगाकर खत्म कर लेंगे। थाना कौन सा लगता है? थाना इंचौली। क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला ये है कि मेरी शादी हुई थी, हमारी दो बहन होती है, तो ठीक रहते हैं और मुझ पर मतलब बदतमीज करते हैं, अत्याचार करते हैं मेरे साथ में। जो मेरे बड़े बड़े बैठे वो पुलिस में है, तो मेरे साथ उन्होंने करी कोशिश की सर, तो फिर मैं 1.5 साल से परेशान ज़्यादा कर रखी थी उन्होंने। फिर मैं 1.5 साल से दो तीन बार SSP ऑफिस गए थाने भी आई सर में, तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और मेरे भाई को मेरे पति है वो ये बोलते हैं कि मेरे पूरे मतलब मेरे भाइयों के रह सकते हैं, पर अभी 8 भाई हैं और उन्होंने अपने बचाने के लिए मेरे भाई को छोटा मकदम लगा दिया साथ में। महिला पेश हुई थी यहाँ पे और उसकी जांच जो है SO इंचौली को जांच दी गई है, उनसे बात भी की गई है और उसकी जांच में जो भी तथ्य सामने आए उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर दो बार वो कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुई थी, कह रहे कि जांच होगी तो, लेकिन उस पर मतलब कोई जांच नहीं। मेरी बात हो गई SO से और जल्दी जल्दी कार्रवाई इसमें होगी।